अब देखो यहाँ पे डेवलपमेंट सबसे पहले क्या हुआ, खर्चा हुआ कहाँ पे, ढाका वॉर में। ढाका वॉर जो हुई थी हमारे पास, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा हुआ। तीन वॉर्स लड़ी गई हैं पाकिस्तान ने, तीन वॉर लड़ी है किसके साथ, इंडिया के साथ लड़ी है। एक 1965 में, पहले रीजन देख लो फिर हम वापस ग्राफ की तरफ जाएंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि भाई समझ आया कि नहीं आया ग्राफ। तो देखो पहला इवेंट क्या हुआ था, 1965 की वॉर हुई, ठीक है। नेक्स्ट वॉर कब हुई, 1971 में वॉर हुई। और तीसरी वॉर कब हुई आपके पास, करागिल हाइट्स पे वॉर हुई, वॉर हुई थी 1999 में। कितने पे, 1999 में, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली थी। देखो कभी भी आप याद रखो, कभी भी कोई मुल्क या कोई भी चीज़ जब जंग लड़ने में जाती है ना, तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। नुकसान इसलिए अभी आजकल जो भी कंट्रीज हैं वो सब नुकसान से बचना चाह रही है, क्योंकि वैसे ही इनके पास पैसे नहीं। क्योंकि अगर आप जंग में जाते हो या किसी से जंग कर रहे होते, तो आपको हाई मशीनरी चाहिए होती है, इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है किसी भी फाइट करने में। वरना क्यों कश्मीर के लिए पाकिस्तान इंडिया अभी फाइट ना कर ले, इसलिए नहीं कर रहे, जस्ट बिकॉज दे नो कि अगर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इसको हासिल करने में या उसकी लड़ाइयों में। तो ये वॉर्स भी जो थी वो कॉस्टली थी, किसके लिए, इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इनका फर्क पड़ा। अब एकदम से जब इकोनॉमी से या मुल्क से सारा पैसा जंग में लगा दिया जाएगा, तो बाकी तो बहुत सारे लोगों के पास पैसा आएगा ही नहीं ना, यानी शॉर्टेज ऑफ द मनी हो जाएगी। फिर जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो फिर क्या होगी, चीज़ों की बार्गेनिंग करने लगेंगे, वो लगने लगेंगे कि भाई मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, सब मांग रहे होंगे, हाँ भाई मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध चाहिए, क्योंकि दूध ऐसे सबको चाहिए होता है, या रबर रोटी चाहिए, कुछ भी एक्स वाई सी, आप कोई भी गुड्स ले लो, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बिटिंग होगी, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। फिर जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो देगा, ठीक है। तो ये जो पोस्ट थी 1965 की, वो रिलेटेड टू दी सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से हुई थी, जो कि हेल्ड हुई थी 1971 वॉर में, ये वॉर हुई थी, ठीक है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट फोर्सिंग रेजिड्यूअल पाकिस्तान टू सफर इकोनॉमिक सिग्नेस फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। अच्छा, ये जो 1971 में हुआ था, 1971 में हुआ था, उससे पाकिस्तान को पूरे 5 साल तक जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ा था। जैसे मैंने बताया, कोई भी फर्क, कोई भी जंग होती है, जैसे हिरोशिमा नागासाकी में जो बम फेंका गया था उसके अभी भी इम्पैक्ट पड़ते हैं ना। तो कोई भी जंग हो, कोई भी कुछ क्यों ना हो, उसके कुछ अरसे तक इम्पैक्ट पड़ते हैं। जैसे US का ग्लोबल क्राइसिस हुआ था 2008 में, तो एकदम तो सही नहीं हो गया था ना, इट टेक अ टाइम, एटलीस्ट 4, 5, 10, 10 ईयर्स लगे थे, अभी भी उसको, अभी भी उसके इम्पैक्ट देखे जाते हैं अमेरिका में। अब तो खैर वो बाहर निकल आ चुका है मोस्टली, लेकिन फिर भी क्या उसके इम्पैक्ट कोई ना कोई ईयर्स तक या उस पर देखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद करते हैं, सीरीज ऑफ एनर्जी क्राइसिस हुआ। फिर क्या हुआ, एनर्जी क्राइसिस में हमें 1967 से लेके 1979 तक हमें क्राइसिस झेलने पड़े, एनर्जी क्राइसिस, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, बिजली नहीं थी लोगों के पास, जब बिजली नहीं होगी तो आप खुद सोचो, एज एन इकोनॉमिक्स यू हैव टू एनालाइज, और अगर आप पढ़ रहे हो तो आप खुद सोचो कि अगर 1967 से लेके 1979 तक अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ एनर्जी है, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो आप खुद सोचो क्या प्रोडक्शन होगी, क्या लोगों में घरों में बिजलियां होंगी, क्या लोग अच्छे से अच्छे इसकी प्रोडक्टिविटी अपनी दिखा पाएंगे। फिर क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स कम होंगी, यानी हर चीज का कोई ना कोई इम्पैक्ट है। नाउ यू हैव टू यूज योर ब्रेन्स कि अगर एक चीज ऐसी हो रही है तो उस पर दूसरे क्या फर्क पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली जब एनर्जी क्राइसिस होंगी तो बिजली की जो यूनिट कॉस्ट है वो भी ऊपर गई होगी, बहुत कम लोगों को बिजली मिल रही होगी, टैक्सेस ज्यादा होंगे, मतलब कुछ भी आप एनालाइज करो। तो ये जो प्रॉब्लम आई थी वो कहाँ आई थी, मिडिल ईस्ट में आई थी। कहाँ आई थी, मिडिल ईस्ट, बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट मिडिल ईस्ट में तो हुआ था, लेकिन इसके जो है वो सिग्निफिकेंस और इसके असरात कभी दिखने लग गए थे 1973 में, जब अरब ऑयल प्रोड्यूसर ने इम्पोज कर दिया था एन एम्बार्गो। इम्पोज एन एम्बार्गो मतलब यानी कि ये एक तरह का एग्रीमेंट था जो कि इन्होंने कह दिया था कि भाई अब हम जो है वो ट्रेड के ऊपर था बेसिकली, यानी कि ज़्यादा प्राइसेस में अब उसे बेचा जा रहा था, ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया था कि आप ज़्यादा पैसे, आप ज़्यादा पैसों में अब ऑयल बिकेगा, कम पैसों में नहीं बिकेगा। तो एक तरह का एग्रीमेंट था इम्पोज एन एम्बार्गो। फिर जो है डिसीजन लिया गया था बायकॉट अमेरिका का, कि अमेरिका से भाई अब कोई ताल्लुक नहीं करेंगे, अब पनिश करेंगे वेस्ट इन द रिस्पॉन्स टू सपोर्ट इसराइल इन द यूरोपियन वॉर। फिर क्या हुआ, हमने अमेरिका से जो है बाइकआउट कर लिया था, हमें अमेरिका से कोई लेना देना नहीं था, और उसको पनिश करने के लिए हमने क्या किया कि हमने इसराइल को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। जी, इसराइल को सपोर्ट कर दिया, किसकी, जो कि योम कुपूर
किपुर या कुपुर पता नहीं, उस वॉर में हमने किसको सपोर्ट किया, इसराइल को सपोर्ट कर दिया और हम चले गए थे इजिप्ट के अगेंस्ट, और प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल जिस वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब जो एक एक जो बैरल हमारे पास $3 का पड़ रहा था, अब वही बैरल हमें $12 का पड़ रहा था 1974 में, और इस ट्रेंड के मुताबिक भी आप देख सकते हो कि 1973 और 4 में कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन था। तो अब आपको ये बात समझ आ रही होगी कि ये बेसिकली कौन कौन से रीज़न थे 1973 और 1974 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक आपके पास ट्रेड एम्बार्गो लग गया था, और दूसरा 1974 में आपकी डॉलर की जो ऑयल प्राइसेस थी वो $3 से $12 हो गई थी। यहाँ पे लिखा है द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम रॉकेट एकदम बढ़ गई थी। ट्रांसपोर्ट जो है, अब देखो प्राइसेस ऑफ ऑयल बढ़ने से क्या चीज़ें हुई, ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई, ट्रांसपोर्ट महंगी हुई तो एक्सपोर्ट्स भी कम हुई, इम्पोर्ट्स कम हुई, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यू हैव टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड दैट। फिर ब्रिटेन रेशनिंग यूनियन स्कोपन्स लेफ्ट ओवर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फिर उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी जिक्र किया गया है, फिर ओपीसी ऑयल एम्बार्गो लगा दिया गया, वही वापस ट्रेड लगा दिया गया, डिसीजन टू स्टॉप एक्सपोर्टिंग ऑयल टू द यूनाइटेड स्टेट। एम्बार्गो में क्या लगाया गया कि अब हम यूनाइटेड स्टेट को ऑयल नहीं देंगे, जो भी हमारे पास रूलर ट्रेड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थे उन्होंने ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया कि हम यूनाइटेड स्टेट्स को अब ऑयल नहीं देंगे। 12 मेंबर्स थे, ठीक है, 12 मेंबर्स थे, 12 मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो थे पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के, जो भी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो जो एक्सपोर्ट करती थी ऑयल, उसके 12 मेंबर्स थे जो कि एग्रीड हो गए थे किस चीज़ पे कि एम्बार्गो लगा देंगे ऑन अक्टूबर 1973 पे लग जाएगा एम्बार्गो। तो इसका ये जो है यहाँ पे 1974 का जो इन्फ्लेशन हुई थी उसका मेन रीज़न ये भी हो सकता है। ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ तक ये रहा, लेकिन ऑयल प्राइजेस ऑयल प्राइजेस और बढ़ गई थी, यानी 4 गुना बढ़ा दी गई थी, आधे से ज़्यादा बढ़ गई थी, रिमेन एट हायर लेवल, और बहुत ज़्यादा पैसा उनको देना पड़ रहा था और उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, और एम्बार्गो को ख़त्म कर दिया गया 1974 में, जैसे कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि 1974 में खराब ख़त्म तो कर दिया, लेकिन 2 साल उसका इम्पैक्ट रहा, फिर 2 साल क्या 1974 से 1975 में ही एकदम नीचे गिर गया, क्योंकि ऑयल प्राइजेस कम हो गई थी। इंक्रीज इन द ऑयल प्राइसेस फिर 1973 और 4 में इंक्रीज हुआ था, और एक बार 1973 और 1974 में ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुई, और दूसरा 1978 और 1980 में हुई, यानी 1978 और 1980 में हुई, आप इससे ये कह सकते हो 1978 और 1980 तक। ये देख रहे हो यहाँ पे भी फ्लक्चुएशन आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रही है, यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं हुआ था जितना 1973 और 1974 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इसके असर आते हैं। 1978 यानी 2 साल फिर बढ़ी थी प्राइस ओनली नॉट, लेकिन ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं हुई थी, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा थे, आउटपुट बहुत कम निकल रहा था, कहाँ से इंडस्ट्रियल कंट्रीज बहुत ज़्यादा कम प्रोडक्ट्स बना पा रही थी, और मेजर रिस्ट्रिक्टिंग लग रही थी प्रोडक्शन पे और कंजम्पशन पे, लोग खरीद नहीं पा रहे थे और लोग प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे थे।